हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बॉलीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इन सब के बारे में जाना था और एक बेसिक सा एडिशन का प्रोग्राम भी किया था। तो जो हमारे इस टॉपिक का वीडियो है वो है बेसिक्स ऑफ स्विंग कंटेनर्स एंड स्विंग कंट्रोल्स। तो देखो, स्विंग कंटेनर्स और स्विंग कंट्रोल्स बेसिकली ये सारे होते हैं जो ये आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, पैनल, स्प्लिट मेन, लेबल, बटन, चेक बॉक्स, कॉमो बॉक्स। तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बेसिक जो हमारे हैं अभी उनके बारे में जानेंगे। तो बेसिक स्विंग कंटेनर्स एंड स्विंग कंट्रोल्स, देखिए हमारा बेसिक में आता है जे फ्रेम। तो डेफिनेशन वाइज देखें तो इट प्रोवाइड्स द बेसिक एट्रीब्यूट्स इन बिहेवियर ऑफ अ विंडो। अ फ्रेम इज डिस्प्लेड एज अ सेपरेट विंडो विद इट्स ओन टाइटल बार। तो अगर हम देखें कि जिसके फ्रेम कहते हैं, जिसको रखते हैं, तो ये जो पूरी विंडो डिस्प्ले हो रही है एक जे फ्रेम है। अगला जो है वो है हमारा जे लेबल। जे लेबल जो है वो अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो इट अलाउज अनएडिटेबल टेक्स्ट और आइकन टू बी डिस्प्लेड। जो हमारे ये जो लिखा है, ए लिखा है या बी लिखा है, ये जे लेबल के अंदर लिखा है। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो हमारी टेक्स्ट फील्ड होगी या टेक्स्ट एरिया होगा उसमें तो हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लेबल्स होंगे उनमें हम टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछली बार जो बनाया था प्रोग्राम, उसे एक बार ओपन करते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये प्रोग्राम था तो जिसमें एडिशन कैलकुलेटर लिखा है, एंटर नंबर लिखा है और ये रिजल्ट लिखा है, ये सब लेबल्स हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, चलो रन करके देखते हैं एक बार। रन हो रहा है, देखो ये देखो, ये जैसे एडिशन कैलकुलेटर है, ये लेबल्स के अंदर है तो ये अनएडिटेबल है। इस टेक्स्ट को आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जो टेक्स्ट फील्ड का है वो एडिटेबल टेक्स्ट होता है इसमें। जैसे हमको इसमें नंबर एंटर कर सकते हैं, इस वाली टेक्स्ट फील्ड में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो ये लेबल होते हैं हम टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। समझ गए ना, सिंपल है। अगला है हमारा जे टेक्स्ट फील्ड, वो बता ही दिया। इट अलाउज यूजर्स टू इनपुट द डेटा एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में ये जो स्टार्टिंग की जो टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड वन और जे टेक्स्ट फील्ड टू, इनमें तो हमने यूजर से इनपुट लिया है, लेकिन जो टेक्स्ट फील्ड थर्ड है इसमें तो हम इनपुट दे रहे हैं ना, आउटपुट दे रहे हैं ना। चलो एक बार दिखा देता हूँ रन करके कैसे। देखो, मान लो हमने नंबर डाला 40, कोई नंबर डाल दिया 55, दूसरे में भी हमने कोई नंबर डाल दिया ऐसे 45। देखो इसमें तो हमने यूजर से इनपुट लिया है इन दोनों टेक्स्ट फील्ड में तो, लेकिन अगर हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो थर्ड टेक्स्ट फील्ड है उसमें आउटपुट आएगा। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड होती है ये इनपुट लेने के काम भी आती है और आउटपुट देने के काम भी आती है। अगला जो है हमारा वो है जे बटन। डेफिनेशन वाइज देखें तो इट प्रोवाइड्स बटन कैपेबिलिटी, एन एक्शन इवेंट इज जनरेटेड व्हेन बटन इज पुश्ड। देखो जो ये हमारा बटन होता है, जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं,
ये बटन है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए हमने कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो एक इवेंट जनरेट होगा। इवेंट जनरेट होने का मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये जो हमने इसमें कोड लिखा था पिछली बार, इंट ए बी सी, ए को डिफाइन किया था, बी को डिफाइन किया था, तो ये कोड रन हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो बटन तो हमारा ये हुआ। अगला है हमारा जे चेक बॉक्स। जे चेक बॉक्स के भी प्रोग्राम हम बनाएंगे अगली वीडियो में। तो देखो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स तो आप समझिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चेक बॉक्स दिखता कैसे। मान लो हम ड्रैग करके लिए आए, तो जिस चेक बॉक्स में से मान लो हम अगर इसे रन करें, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इसे रन किया, देखो ये चेक बॉक्स आ गया ना। इस मान लो कोई कंडीशन है कि मान लो कि कोई होटल का बिल है, मान लो उस पर अगर कोई कस्टमर रेगुलर है, तो यहाँ रेगुलर जी चेक बॉक्स में अगर हम रेगुलर लिखें और यहाँ कंडीशन अप्लाई करें कि अगर रेगुलर है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिल जाए, तो ये इस काम आएगा, सिंपल है। और इसकी और फीचर्स हैं हमारे कि चेक बॉक्स आर यूज टू अलाउ यूज़र टू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस, यानी हम मल्टीपल चेक बॉक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सिंपल है, ड्रैग करके ले आओ, ठीक है ना, सिंपल है ना। अगला सीखते हैं, अगली हमारी जे लिस्ट। देखो ये सिंपल है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच अ सिलेक्शन कैन बी मेड। फॉर एग्जाम्पल, चलो फ्रेम की आगे बढ़ाते हैं, ये हमने लिस्ट लिया है। देखो ये लिस्ट तो सिंपल है, इन आइटम्स के नेम चेंज कर दो, मल्टीपल सिलेक्शन है। लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच अ सिलेक्शन कैन बी मेड, सिंपल। अगला है हमारा जे कॉम्बो बॉक्स। देखो इट प्रोवाइड्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच अ सिलेक्शन कैन बी मेड और न्यू आइटम्स कैन बी एडेड। एक बार दिखाएं कैसे होता है कॉम्बो बॉक्स। देखो कॉम्बो बॉक्स ये सिंपल है, इसको इसकी जब हम कोडिंग करेंगे तो इसमें आइटम्स ऐड किए जा सके। मान लो लिस्ट में कोई आइटम फॉर एग्जांपल रह गया, तो कॉम्बो बॉक्स हमारी हेल्प कर देगा। देखो जे पैनल, ये ना एक सपोर्टिंग कंटेनर होता है। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारा जे फ्रेम होता है ना, ये एक तरीके से जे फ्रेम का छोटा वर्जन है, अगर आसानी से समझे तो। ये इसकी खुद की तो होती नहीं, लेकिन ये और कंटेनर्स को कंटेन कर सकता है। जैसे मान लो हमने पैनल लिया, अब हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेबल ले सकते। देखो ये रहा, उसके अंदर लेबल आ गया, और मान लो टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं। देखो लेबल के अंदर, पैनल के अंदर हमारा लेबल भी आ गया और टेक्स्ट फील्ड भी आ गया। तो एक तरीके से ये जे फ्रेम के अंदर एक फ्रेम होता है, अगर आसान भाषा में समझें। अगला है हमारा जे रेडियो बटन। देखो रेडियो बटन होते हैं जो ऑन ऑफ हो सके। देखो अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो रेडियो बटन्स आर ऑप्शन बटन डेट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। और अगर हम यहाँ देखें रेडियो बटन कैसा होता है, तो देखो ये रेडियो बटन वन, रेडियो बटन टू, दीज कैन बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल हम इसको रन करें, पहले वाले को क्लोज करें, और हम इसको रन करें तो देखेंगे। चलो देखो कितने सारे ड्रॉप डाउन, देखो 1 2 3 4, ये हमारी लिस्ट सिलेक्शन हो सकती है सिंगल। देखो लिस्ट में सिंगल सिलेक्शन होती है, जो चेकबॉक्स होते हैं वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। देखो ये दो चेकबॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये जो लिस्ट का है इसमें एक ही आइटम सेलेक्ट हो सकता है, ऐसे कॉम्बो बॉक्स में भी, इसमें भी एक ही पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट हो सकता है।
देखो यहाँ हमारा पैनल पैनल के अंदर है। वैसे पैनल मतलब जैसे डेफिनेशन वाइज जो बताया था, सपोर्टिंग कंटेनर होता है। देखो डिस्प्लेड नहीं हो सकता अपनी ओन पे, लेकिन उसमें अनदर कंटेनर्स होंगे। देखो ये कंटेनर्स ही तो हैं, जो तुम्हारे टेक्स्ट फील्ड है, तुम्हारे लेवल है, ये सब कंटेनर्स हैं। ठीक है, देखो रेडियो बटन से ये मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे रेडियो बटन्स में मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो रेडियो बटन से हम सिंगल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन्हें बटन ग्रुप में रखना होगा। वो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे रखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बेसिक सा कोई प्रोग्राम बनाते हैं। सोर्स पैकेज, राइट क्लिक, न्यू, जे फ्रेम फॉर्म, कुछ भी नाम दे दो। फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। जैसे हमने पिछली बार एडिशन बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे बना सकते हैं, तो चलो अब की बार हम एक इन सब का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हेडिंग वाला लेबल ले लिया, या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, या तीसरा लेबल हमारा रिजल्ट हो गया। इनके सामने टेक्स्ट फिट ले लेंगे तीन, साइज इंक्रीज। थर्ड टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, चार टेक्स्ट क्लियर नहीं किया हमने। ठीक है, अब हम चार बटन ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये प्लस का हो गया, ये माइनस को क्या, ये मल्टीप्लाई कर ले लेते हैं। अगला डिवाइड कर ले लेंगे, ठीक है, सिंपल है। कोडिंग स्टार्ट करें, मान लो हमने प्लस बटन पे क्लिक किया, जे बटन एक्शन परफॉर्म, यहाँ कोडिंग करनी है। तो स्टार्टिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी हर बार की तरह, वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करना तो बताया था, सिंपल है। अब एक को डिफाइन कर लेते हैं, देखो ये जो पार्स मेथड होता है ना,
ये यूज होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए, क्योंकि जो हमारी ये जो वैल्यू स्टोर करती है टेक्स्टुअली स्ट्रिंग में करती है, तो इस वजह से हमें इसके डेटा टाइप चेंज करना होता है। स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना बताया था पहले भी। गेट टेक्स्ट हमारा मेथड होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, सेट टेक्स्ट होता है आउटपुट देने के लिए। सिंपल है, देखो सिंपल कोई एरर नहीं, SEMB लिख देंगे। सिंपल है, जेट एक्सपल टू वन यूज। और सी हमारा वो है ही A+B। अब सी हमें डिस्प्ले करवानी है थर्ड टेक्स्ट फुल में, तो सिंपल है जी टेक्स्ट फील्ड 3.setText डबल क्वोट्स प्लस सी सेमी कॉलन। सिंपल, पहले बटन की कोडिंग हो गई, दूसरे की करते हैं। चलो पूरा ऐसा करो, इसे कॉपी करो, सिंपल रहेगा। दूसरे बटन पे चलते हैं। बस हमें यहाँ क्या करना है, सी होगा इसमें A-B, हाँ बस ये मत कर देना प्लस प्लस सी की जगह माइनस सी लेके, तो ये प्लस सी ही रहना है। ठीक है, हो गया दूसरा बटन भी। तीसरा बटन है हमारा मल्टीप्लाई का, A-B कर दो। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 3 5 10 डिवाइड कर देना, और क्या है। चाहिए कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं। चलो मैं आपको एक बटन की क्वेरी और बता देता हूँ, क्लियर बटन की, यानी हमें टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा है वो क्लियर करना हो, तो मान लो हमने एक बटन लिया, इसका नाम दे दिया हमने क्लियर, डबल टैप करो एक्शन पर होगा। सिंपल है, इवेंट, यानी देखो पुश करने पर इवेंट हुआ ना, तो देखो इसका सिंपल है, हमारे 3 टेक्स्ट फील्ड हैं, जी टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट लिखो, डबल क्वोट्स लगाओ, लेट इट बी ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ो, ऐसी अगली टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक 2 और अगली हमारी 3 है। सिंपल है, क्लियर की क्वेरी। ठीक है, चलो एक बटन की और बता देते हैं, बेसिक से बटन है एग्जिट बटन, यानी उस बटन पे अगर हम क्लिक करें तो हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं। अगला बटन होगा हमारा एग्जिट का, डबल टैप एक्शन परफॉर्म हुआ। देखो सिंपल सी क्वेरी है, सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट 0 और हो गया। बहुत ही बेसिक सी क्वेरी थी, चेक करें, रन करते हैं ग्रीन ट्रायंगल।
ओके, ये तो एडिशन कैलकुलेटर है। सॉरी, रन फाइल आ गया। मान लो हमने पहला नंबर एंटर किया 45, मान लो सेकंड किया 30। अगर हम इस पर प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो 45 और 30 का सम 75 होता है। मान लो मैं क्लियर करना है तो क्लियर बटन पे क्लिक किया, सारा डेटा क्लियर। फॉर एग्जांपल फिर से हमने ये लिया 45 और 35 ले लिया। माइनस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो 45 माइनस 35 10 ही होता है। सिंपल, क्लियर करा। मान लो 45 और यहाँ ले लिया हमने 9, मल्टीप्लाई करी। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 ही आएगा, करके देख लेना अगर ना आए तीनों। क्लियर करते हैं, सिंपल ये दोनों वैल्यूज ले लेते हैं 45 और 9। तो डिवाइड वाला बटन है, करके देखते देखिए 95 जो 45 ही होता है। सिंपल, क्लियर किया, एग्जिट बटन पे क्लिक किया, प्रोग्राम क्लोज। सिंपल सा था ना, कोडिंग हमारी बड़ी सिंपल है। हमारे पास 6 बटन थे इस बार। पहला बटन हमारा एडिशन का था, सेकंड बटन हमारा सब्ट्रैक्शन का था, थर्ड बटन हमारा मल्टीप्लिकेशन का था, फोर्थ बटन हमारा डिवीजन का था, फिफ्थ बटन हमारा क्लियर का था, और सिक्स्थ बटन था जो था वो था हमारा एग्जिट बटन। देखो स्टार्टिंग के 4 बटन्स थे, उनकी कोडिंग बहुत सिमिलर है, बस मैथमेटिकल साइंस का डिफरेंस है। पहले में ए प्लस भी था, सेकंड में ए माइनस भी था, थर्ड में ए मल्टीप्लाई भी था, और फोर्थ में ए डिवाइड भी था। जो हमारा क्लियर बटन था उसकी क्वेरी सिंपल है। जी टेक्स्ट फील्ड 1, 2 और 3 हमारा ऐसी टेक्स्ट फील्ड थी जिनमें हमारा डेटा आता या इनपुट आता या आउटपुट देते हम। सेट टेक्स्ट क्वेरी हमने मेथड अप्लाई किया, ब्रैकेट्स के अंदर डबल क्वोट्स लगाए, उन्हें ब्लैंक ही छोड़ दिया। और जो हमारा थर्ड बटन था सिस्टम डॉट एग्जिट, यानी एग्जिट बटन जो था उसकी क्वेरी ये है, सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट 0 और सेमी कॉलन। सिंपल है ना। हमने यहाँ मेथड यूज़ किया है तुम्हारा, एक तो पार्स मेथड है। देखो पार्स मेथड मैंने बताया कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग में आती है। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लेकिन अगर हमें नंबर सेट करने हैं तो उनके लिए नंबर से तो चाहिए, इसलिए हम पार्स मेथड यूज़ करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे गेट टेक्स्ट मेथड हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है, और जो सेट टेक्स्ट होता है वो यूज़र को आउटपुट देने के लिए होता है। सिंपल है। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना आप मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स भी कर सकते हो। पिछली वीडियोस देखने के लिए मैं आपको आई बटन में उनका लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।